हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और कल के लाइव सेशन में काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिमांड्स आई हैं। और इसी तरीके से कल एक अपने पास में डिमांड आई थी, और उसी तरीके से उसके क्रम में खांडवा से इंदौर जो रेलवे लाइन है, तो इसी क्रम में हम लगातार अब आगे बढ़ते हैं। खांडवा से इंदौर एक जो रेलवे लाइन है, इस पे पिछले कुछ सालों से गेज कन्वर्जन का काम चल रहा था। और बेसिकली क्या है कि खांडवा से इंदौर या फिर महू से खांडवा अकोला, जो एक पुराने टाइम में छोटी लाइन हुआ करती थी जिसको मीटर गेज लाइन भी हम बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि स्पीड इतनी ज़्यादा ना होने के कारण और एक तरह से बहुत यूनिगेज प्रोजेक्ट लगातार चलते के रहने के कारण, जो भारतीय रेल चाहती थी कि सब जगह जितने भी अपने पास में भारतीय रेल का नेटवर्क है उन सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए, चाहे वो नैरो गेज हो या मीटर गेज हो। कुछ जगह ज़्यादातर लाइक 90% ऑफ द मोस्ट नेटवर्क, जहाँ पे भी छोटी लाइन है उसके 90% हिस्से में ब्रॉड गेज का नेटवर्क पहुँच चुका है। और जहाँ पर बहुत टफ टेरेन है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कालका शिमला जो रेलवे लाइन है, पहली वो चीज़ है। दूसरे बाद उसके बाद ऊटी मेटुपालियम एक जगह है, और उसके बाद गुवाहाटी में जो NFR में जो नैरो गेज लाइन है, तो ये वो लाइनें हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन में है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें करती हैं, तो वहाँ पर ब्रॉड गेज नहीं बिछा पाएंगे। लेकिन उसके अलावा जितना भी आपके पास और जहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ से टनल्स बन सकती है, या फिर यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर जगह है, इनफ स्पेस है कि वहाँ से हम टनल्स को टनल से होकर या फिर और थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करके हम ब्रॉड गेज निकाल सकते हैं, तो वहाँ से ये लोग ब्रॉड गेज लाइन निकाल रहे हैं। इंदौर से खंडवा का मैंने पहले भी एक बार रेल बुलेटिन निकाला है। मध्य प्रदेश का टोटल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये इंदौर से खांडवा जो रेलवे लाइन है, बेसिकली क्या है कि आप इससे सीधा पुराने टाइम में ये जो मीटर गेज लाइन हुआ करती थी, तो केवल मीटर गेज नेटवर्क इतना बड़ा था कि आप अजमेर से सीधा महाराष्ट्र सिकंदराबाद तक ये मीटर गेज लाइन फैली हुई थी। गुंतकल, गुंतकल एक आप जगह जानते होंगे, साउथ में है वो, तो वहाँ तक मीटर गेज लाइन फैली हुई थी, आप नॉन स्टॉप वहाँ से जा सकते थे। लेकिन फिलहाल इसको क्या है कि इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना है, तो उसी कन्वर्जन में इंदौर से खंडवा जो रेलवे लाइन है, 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है, इसमें कि इंदौर से महू जो है, इंदौर से महू जो डॉक्टर अम्बेडकर नगर महू जिसको कहा जाता है, वो इन्होंने गेज कन्वर्टेड कर दिया है, ब्रॉड गेज वहाँ पर गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो अब उसके साथ साथ में अब इन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, नई लाइन को और कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मैं सीधे सीधा मतलब है मीटर गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो इनको अब लगता है कि हाँ अब इस सिंगल लाइन से कुछ नहीं होगा, इनको डबल भी करना है, तो पीछे पीछे से डबल लाइन भी करते आ रहे हैं। उसी क्रम में राऊ जगह है, तो राऊ से महू इन्होंने दोहरीकरण भी कर दिया है लगातार, और इसी क्रम में आगे चलते चलते जहाँ इनको रिक्वायरमेंट होगी ये लोग उसको डबल भी कर देंगे। इसका सीधा सीधा बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा कि आप सीधा इंदौर उज्जैन, एक राजस्थान साइड से भी आप इंदौर कोटा इंदौर वगैरह होते हुए आप सीधा साउथ में पहुंच सकते हैं, और ये रेलवे लाइन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और उसके साथ साथ में दोहरीकरण के साथ में ही अगर आप अपोजिट साइड जाते हैं तो खांडवा से सनावद भी ये रेलवे लाइन कंप्लीट हो चुकी है, गेज कन्वर्जन हो चुका है, जिस पर बहुत जल्दी ये लोग ट्रैफिक भी स्टार्ट कर देंगे। और फिलहाल की डेट में महू से सनावद इसमें ये एक मेन जो इम्पोर्टेंट, इसको हम कह सकते हैं मेन रूट कह सकते हैं, और इसमें ही फिलहाल एग्जिस्टिंग पाताल पानी पे भी मीटर गेज चलती थी, तो उन्होंने क्या किया कि अभी वहाँ पर हिल टेरेन बहुत ज़्यादा है, टफ टेरेन है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे पठार भी हैं, तो उधर से इन्होंने रेलवे लाइन ने निकाल के एक अलग थोड़ा सा करीब 20 से 30 किलोमीटर के आसपास में, डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा पर इसकी गति उतनी ही होगी, रेलवे लाइन पे ट्रैवल टाइम
थोड़ा कम लगेगा। तो इन्होंने सीधा रूट ना निकालने के बजाय, मीटर गेज रूट को ना लेने के बजाय, इन्होंने सीधा ब्रॉड गेज रूट ले लिया है, लेकिन उसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो इसलिए महू से सनावत जो है अभी जारी है, और यही थोड़ा अभी टाइम लेगा। और इसमें बलवाड़ा से जो ओंकारेश्वर लाइन है वो ऑलमोस्ट होने वाला है 75-80% के आसपास, आई गेस वो पहुंच चुका है जैसा कि मुझे रिपोर्ट मिली है। खांडवा से अकोला अभी जारी है, और सनावत से इंदौर अभी जारी है। और इसमें शायद सनावत से इंदौर हो चुका होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है, पर अभी जो रिपोर्ट आई है वो इसमें बताया गया है कि बहुत जल्दी ये कंप्लीट होने वाला है। और इसमें साथ साथ इसको इस साल के बजट में, जो अभी रिसेंटली जो बजट आया था लास्ट ईयर का, जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर का है, इसमें इसको 700 करोड़ का बजट मिला है इस प्रोजेक्ट को, इंदौर खांडवा को। और इसमें टोटल ये महू से अकोला जो जितनी भी बड़ी मीटर गेज लाइन थी उसमें ये लोग बहुत जल्दी एक ब्रॉड गेज लाइन का ये लोग ट्रायल लेने वाले हैं। आने वाले 2 साल में ये इस लाइन को कंप्लीट कर देंगे। तो फिलहाल इंदौर खंडवा की ये और रिपोर्ट है, एक रेल बुलेटिन, एक्सटेंडेड रेल बुलेटिन इसको कह सकते हैं। अगले रेल बुलेटिन के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अगर इस रेल बुलेटिन में आपको लगता हो आपको कुछ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कह सकते हैं। आप क्वेश्चन में, आप कमेंट में भी डाल सकते हैं। आप हर बार हर संडे लाइव भी आ सकते हैं, आप उसमें भी क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकते हैं। आपके प्रॉपर एक लिस्ट अपने पास बनती जा रही है। बहुत अच्छा लगता है कि आपकी लगातार इतना लिस्ट ये लगातार बनती जा रही है, जिससे कि मैं और ज़्यादा इसमें मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है कि हाँ लोग इतना प्यार देते हैं। और इसी क्रम में लगातार हम आगे चलते हैं और मिलते हैं अगले लाइव सेशन में, अगले रेल बुलेटिन में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सभी अपना ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ थी इंदौर खंडवा की, और नेक्स्ट रेल बुलेटिन कौन सा होगा वो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।